बागेश्वर धाम के पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए आज कोटा में भी सैकड़ों की तादाद में भक्तगण कोटा एयरपोर्ट की तरफ उमड़ पड़े। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विशेष विमान से कोटा पहुंचे थे और वो सड़क मार्ग से कोटा से बारा में कथा करने के लिए निकले। जब धीरेन्द्र शास्त्री कोटा में एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके भक्त उनकी झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। इस दौरान पुलिस को भी भक्तों को संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोटा के विजयनगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी सादिक उड़िया बस्ती का निवासी है। पुलिस की टीम ने संजय नगर सब्जी मंडी के पास गश्त के दौरान आरोपी को रोक कर तलाशी ली तो उसके पास अवैध हथियार मिला। आरोपी सादिक के खिलाफ पहले से ही 4 मामले दर्ज है। फिलहाल आरोपी से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़ करते हुए क्रिकेट सट्टा चला रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 44,56,00,000 रुपए का क्रिकेट सट्टे का हिस्सा बरामद किया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने कुन्हाड़ी के कमला उद्यान इलाके में एक मकान पर दबिश दी और मौके से क्रिकेट सट्टा चलाने के उपकरण जब्त किए। करीब 44,56,46,938 का हिसाब भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने लैपटॉप, 4 मोबाइल चार्जर सहित अन्य उपकरण जब्त किए। पुलिस के मुताबिक भारत पाक क्रिकेट मैच पर बड़े पैमाने पर सट्टा लगाया जा रहा था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज कोटा पहुंचे। कोटा में रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूर्व विधायक प्रहलाद तुंजल के भतीजे के निधन पर शोक जताने के लिए सतीश पूनिया कोटा पहुंचे थे। इस दौरान सतीश पूनिया ने कोटा में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी कटाक्ष किया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।